बंद कर रहा हूँ ना, बैटरी चार्ज। तो बैटरी चार्ज लगाओ ना आराम से। अरे वो कुछ नहीं लगा भाई, इसका कमेंट्री करो यार इसकी। हिंदी में करना यार। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। यहाँ देसुरी की नाल में आपका स्वागत है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ पे देखने लायक। बारिश हो रही है, हमने बारिश हमने चरम सीमा पे उफान पे। थोड़ा पुराना किस्सा सुनाओ कोई, ये कैसा है कैसा नहीं है, क्या है इसका खासियत? देसुरी की नाल जानी जाती है यहाँ के लोगों से, यहाँ की जो ट्राइब्स हैं। बहुत पुराने समय में यहाँ पे काफ़ी ट्राइब्स हुई हैं और यहाँ काफ़ी लूटमार, काफ़ी हत्याएं, काफ़ी रेप्स गाड़ियों को रोककर और काफ़ी ऐसी घटनाएं घटी हैं। इस वजह से ये रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वीरान भी पड़ा रहता है, कम गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे। और ऐसा वैसा कोई इस टाइप की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो हम नहीं कह सकते कि हुई है यहाँ पे, कभी कोई सी देखने को मिली है। बट हाँ, रास्ते पे कॉशियस बहुत रहना पड़ता है यहाँ पे। और जिन जिन से भी मैंने ये चीज़ सुनी है कि देसुरी की नाल ध्यान से उतरना, देसुरी की नाल समय रहते उतर जाना, ज़्यादा लेट नहीं करना, शाम ना होने देना, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का आना जाना बहुत रहता है। स्पेशली जो पैंथर है, चीतल है और डियर्स है। हाँ डियर्स, तो डियर्स खैर उतने नहीं हैं, बट पैंथर्स, लेपर्ड्स, ये सब जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे दिख सकते हैं। कब से वाइल्ड बोल रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ रो पहले साल, चलो ठीक है, बोलो बोलो। वो भी रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं। साले अपने तीनों के अलावा वीडियो भी गया ना, तो बहुत गुड्डी भाई ड्राइविंग के हिसाब से। हाय, मैं हूँ अभिषेक, और ड्राइविंग के हिसाब से बहुत खतरनाक रास्ता है। अभिषेक यहाँ जितना हो सके ना ओवरटेक ना करें। हाँ हाँ, तो इसे करना जरूरी था। ये देख सकते हैं आप, इधर खाई है, बहुत तेज बारिश हो रही है। दिखाओ जरा, सामने खाई है बगल में, और इधर जो पहाड़ है ये लैंडस्लाइड है। देखिए सामने पत्थर गिरे हुए हैं, पूरे रोड पत्थर गिरे पड़े हैं जगह जगह। खाई नजर नहीं आ रही हरियाली की वजह से। और ये टेंपल है, बट ये नाग देवता का अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। नाग देवता विराजमान है अंदर, बहुत ही अच्छे मौसम में आए हैं। और इसको देख के ऐसा लग रहा है देसुरी की नाल बहुत फेमस है जो राजसमंद में पड़ता है। सबसे बड़ी खासियत और मोचिनराम की तरह मौसम हो रहा है यहाँ। हाँ, सबसे बड़ी खासियत ये कि हम राजस्थान में है। राजस्थान में इतनी बारिश देखने को आपको शायद ही कभी मिलेगी। ऐसा लग रहा है हम नॉर्थ ईस्ट में ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए राजस्थान है। बिल्कुल राजस्थान इतना खूबसूरत हो सकता है, आप यकीन मानिए। आपको हर टाइप का वेदर, टोपोग्राफी मिलेगी। बता रहा हूँ, हमारे देश मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि राजस्थान में सिर्फ रेत है और ऊंट है, ऐसा नहीं है। आप उसका एक नया चेहरा भी देख सकते हैं, उसका एक अंश देखा है। अगर आप ये कहते हैं कि वहाँ सिर्फ ऊंट है, आप सिर्फ जैसलमेर में घूमे हो फिर, या बीकानेर में, या फिर आप यदि आपको ये सब देखना, राजसमंद, उदयपुर, माउंट आबू, बांसवाड़ा, इस तरह की जगह में आइए। ये मेवाड़ एरिया है। हाँ, वी आर ये मेवाड़ एरिया है। देखिए खेल रहा है ट्रक वाला, धीरे धीरे चल के ये मौसम का एंजॉय कर रहा है ऐसे पहले। और ये बहुत सबसे बात बताऊं, एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस होता अगर हम इसे रात में आते, लेकिन रात में बहुत खतरनाक है रास्ता, बहुत ज्यादा। तो कल रात हमने स्किप कर दिया था, हम सीधा बहुत अच्छा डिसीजन रहा। और बहुत तेज बारिश हो रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। भाई मुझे थैंक्स बोलो साहब, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था उदयपुर जाने का। और थैंक्स आपको भी, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। नहीं थैंक्स आपको भी कि आपने कहा था कि ये डिसीजन अभिषेक पे छोड़ते हैं कि उसे क्या करना है। मामा जी की एडवाइस फॉलो, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए पेड़ टूटा हुआ, गिरा हुआ, पड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है यहाँ पर। ये एरिया बहुत ही लैंडस्लाइड एरिया, मैं ही नहीं, हैवी रेनफॉल पे जो लोकल्स हैं यार यही बिलीव करते हैं कि इस रीजन में ज़्यादा जो है आप न
ना रुके, ठीक है, चाहे कैसा भी मौसम हो, फटाफट से ये रास्ता एक बार निकल जाए। और पहले अगर इस रोड की हालत मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ से आता था कार लेकर, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ख़राब और खस्ताहाल रास्ता था। अभी रिसेंटली जो है स्टेट गवर्नमेंट ने ये हाईवे डेवलप किया है यहाँ पे, तब जाके रास्ता कहीं चलने लायक, गाड़ी चलाने लायक हुआ है, बाकी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी। आपको बता दें कि राजीव यहाँ का नेटिव है, बचपन से रहा है यहाँ पर और इन्हीं जंगलों में पला बड़ा है। साले तुम्हारी ये बोलना रहेगा, अच्छी कमेंट्री चले दी, मैं पानी बना दूँगा। चल रहा हूँ, उसने इस यही सीखा था। पला बड़ा, साले टार्जन बना दो तुम, मैं चट्टा बना दूँ। राजीव ने चलना यही सीखा था सबसे पहले। यही पेड़ बकरियों ने चलना सिखाया मेरे। नहीं, उसके पीछे आदिवासी लग गए थे। उसे चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था उसके बाद। फिर ये दोनों आए हंटर, चिंपांजी पीछे पड़ गए। ये दोनों हंटर आए, उन्होंने देखा मेरे को और अपने साथ ले गए, गाड़ी में बैठा गए, लकड़ लिए, तब जाके आज मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। मुझे बहुत गौरवान्वित फील हो रहा है। और आज भी राजू को अपनी चड्डी बहुत पसंद है। हाँ, वो चड्डी अभी तक मैं उसकी महक नहीं भूल सकता। कोई बात नहीं, वो भी कहेंगे थोड़ी बहुत गाली दे देंगे। ब्रो पानी वाह जाता है सड़क पे, वेरी नाइस। इन रास्तों के लिए यार ये एसयूवी बनी है, आप खाई देख सकते हैं साइड में, देख नहीं पाओगे आप ठीक से, क्योंकि अभी काफी हरियाली होने की वजह से कवर हो रखी है, पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं दिख रही हैं। आप सामने रखे हरियाला बनना। हाँ हाँ, आप क्या नाम सामने रखे, इधर देखो, ये सामने दिखाओ कितनी खाई है। देखो कैमरे में नहीं दिख पाएगा ना, बारिश तेज है, कैमरे में नहीं दिख पा रही। ओ माय गॉड, राजीव ये कितना लंबा है, देखो ये दिखाओ, साथ में नदी जा रही है। ये अभी मैक्सिमम आपको जो है 20 से 30 मिनट का। ये दोनों डेयर डेविल कौन जा रहे हैं, बैठा लेंगे। अरे भाई साहब, ये वो है रामदेव राव। अरे इनको नहीं बैठाते, बैठेंगे भी नहीं। अरे रामदेव राव वाले बैठेंगे भी नहीं, पैदल यात्री है। धीरे धीरे नहीं गया भाई, नहीं गया, पैरों में गया। वो तो खैर पूरे भीड़ है, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। गाड़ी जली पड़ी है यहाँ पर, क्या बात है। ऐसा है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आपकी कार को कुछ भी हो जाता है, भगवान ना करे, अगर आपकी गाड़ी किसी भी कारण से बंद पड़ जाती है, तो यहाँ पर कई साधन सुविधा है। यहाँ नेटवर्क की भी कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, तो बेहतर है कि आप अपनी कार का नदी चल रही है। यहाँ कहीं रुक भी नहीं सकते, बहुत खूबसूरत नजारा है, लेकिन हम रुक नहीं सकते यहाँ, तो क्योंकि इट्स नॉट सेफ है। रोड छोटा है, छोटा है, और यहाँ से हमला हो, हमें कौन कहाँ से कौन देख रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं। इधर सुरेश, इधर की साइड देखो कितना जंगल जंगल है, बिल्कुल काफी डेंस है। और रास्ते रास्ते में ये लिखा हुआ है, जंगली जानवरों से सावधान, जंगल से बजाए, जंगल से सावधान। ध्यान दे दिया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। मसूरी की नाल उतरने में बस अभी मैं काफी हिल स्टेशन पे ड्राइव किया है, लेकिन यहाँ ड्राइव करना सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जंगल में से एक रास्ता जा रहा है, जो बिल्कुल जैसे हम नेशनल पार्क में जा रहे हैं। हाँ, नेशनल पार्क के यहाँ जा रहे हैं, और वहाँ पे बहुत घनी बारिश। अच्छा, कौन कहेगा। थैंक यू सो मच।